तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट अधिगम का विकास एवं मनोविज्ञान के कंप्लीट सिलेबस को आज हम देखेंगे और जानेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यूनिट एक से लेकर पाँच तक संपूर्ण सिलेबस का एक्सप्लेनेशन, संपूर्ण सिलेबस का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन से प्रश्न, कौन से टॉपिक और आपको पूरे बुक में क्या पढ़ना है यूनिट वन से लेके पांच तक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यूनिट वन से कि यूनिट वन में आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। आपका जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है वृद्धि एवं विकास का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें दो पॉइंट है, क्या? ग्रोथ और दूसरा डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास। तो अक्सर आपसे सवाल जो पूछा जाएगा वो इन्हीं से संबंधित पूछा जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा साल ना गया हो जो ये प्रश्न ना आया हो, शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और धारणा, ये सारे प्रश्न आपको शैक्षिक मनोविज्ञान से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। दूसरा, हम बात करें विकास की अवस्थागत विशेषताएं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक विकास की जो अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इन अवस्थाओं में बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में। और दोस्तों, आपसे एक प्रश्न और ये पूछा जा सकता है कि विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या महत्व होता है। दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना वो काफ़ी आसान है। अगर आप इसको बस एक बार देख लेंगे आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि विकास की तीनों अवस्थाओं के विशेषताएं और बच्चे के विकास में, कोई बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो उसके परिवार का, उसके वातावरण, उसके वंश का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, वातावरण और उसके वंश का क्या महत्व है, तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे का सिद्धांत, इससे प्रश्न तो आना ही आना है दोस्तों। तो पूरे आपके फर्स्ट यूनिट में यही तीन टॉपिक पॉइंट से प्रश्न आएंगे और इन तीनों पॉइंट्स पे वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, इस पे नहीं बनी है, बाकी इस पे आप देखेंगे इस प्रकार से वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार पूरे एक ही यूनिट का सारे वीडियोस में कंप्लीट करूंगा, सॉरी एक वीडियो में सारे यूनिट को मैं कंप्लीट करूंगा। तो इस प्रकार से आपको पहले यूनिट में ये तीन पॉइंट से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे यूनिट। दूसरा यूनिट का नाम है दोस्तों साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट का अधिगम एवं अभिप्रेरणा, मतलब लर्निंग और मोटिवेशंस। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले अधिगम की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, आप मेरे चैनल के इस वीडियो में देखेंगे तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ईच एंड एवरी पॉइंट। दोस्तों, एक्सप्लेन वहां पे किया गया है अधिगम की अवधारणा के बारे में। दूसरा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से एक प्रश्न आएगा, आप चाहे तो इसकी गारंटी मुझसे ले सकते हैं, अधिगम के सिद्धांत। तीन प्रमुख मनोवैज्ञानिक, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और एक नाम और जोड़ लीजिए, कोहलरबर्ग, इन तीन से एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत पूछा जाता है थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर से। इन्होंने कुछ प्रयोग किए हैं उसके बारे में। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अभिप्रेरणा। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभिप्रेरणा और अधिगम की अवधारणा और इन तीनों में से किसी एक का तो जरूर पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से इस यूनिट से आपको टोटल दो प्रश्न मिलेंगे, एक 8 नंबर में और एक 15 नंबर में आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इनके भी वीडियोस बने जा चुके हैं, मैं आपको यहाँ पे थंबनेल दिखा दूँ, अधिगम का कॉन्सेप्ट आपको इसमें और इन तीनों के वीडियोस और अभिप्रेरणा का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट दोस्तों काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सरल है, आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। वो थर्ड यूनिट का, इसको बस एक बार देखना है, बुद्धि और व्यक्तित्व, इंटेलिजेंस और व्यक्तित्व, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी। इसमें क्या होता है, बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि की अर्थ, परिभाषा इसके बारे में, और व्यक्तित्व क्या होता है, अच्छे व्यक्तित्व की पहचान क्या होती है। ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, इन्हीं दो पॉइंट से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, बुद्धि और व्यक्तित्व के बारे में आपसे थर्ड यूनिट में प्रश्न पूछा जाएगा। और दोस्तों, चौथा यूनिट है आपका, चौथा यूनिट है मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन की समस्या। अब इसमें देखिए, इसमें आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की पहचान क्या है और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं क्या है। मतलब जैसे एक मैं आपको शब्द बोलूं मंद बुद्धि,
मंद बुद्धि का मतलब क्या, वो बच्चे जो मस्तिष्क मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ ना हो उन्हें मंद बुद्धि कहते हैं। तो मंद बुद्धि होना क्या है, मानसिक स्वास्थ्य की एक समस्या हो गई, ठीक है। तो इसी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या का समायोजन मतलब आपको सॉल्यूशन निकालना है। अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि है तो उसे किस प्रकार से पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके पढ़ाने की विधि क्या होगी, उसे किस प्रकार से आप समझाएंगे, उसे कैसे ट्रीट करेंगे, और वो मंद बुद्धि बालक कैसे व्यवहार करेगा, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो मतलब ये एक पॉइंट ही है, पहला पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य, मतलब एक बच्चा मेंटली फिट है ये आप कैसे चेक करेंगे, उसके व्यवहार के बारे में कैसे पता लगाएंगे, और अगर वो फिट नहीं है तो इस समस्या का कैसे समाधान करेंगे, इस ऐसे बच्चों के साथ आप कैसे पढ़ाएंगे। ये टोटल आपके फोर्थ यूनिट में पढ़ना है। पांचवा यूनिट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वीडियो का खत्म करके पांचवा यूनिट देख लीजिए क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो सवाल बहुत ही आसान से ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, इस पर प्रकाश डालिए। तो आप आसानी से लिखेंगे कि हर एक बालक की IQ एक जैसी नहीं होती, बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती है जिसके आधार पर वो चीज़ों को समझते हैं, ग्रहण करते हैं, याद करते हैं। इस प्रकार से आप, मैं आपको नोट्स बताऊँगा, नोट्स दूंगा, ठीक है। तो मतलब आपको ये बताना है कि पांचवें यूनिट में आपको ये इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इस पॉइंट से, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, ये तो बड़ा आसान है, कोई बच्चा अगर कोई चीज़ें सीखता है तो उस पर परिवार और समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, अधिगमकर्ता पर परिवार और समाज का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी ऑन द लर्नर। तो दोस्तों ओवरऑल ये आपके पांच यूनिट हैं और इसी से प्रश्न आपके पूछते हैं। अगर आपको यकीन ना तो आप अनसॉल्व उठाइए, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर मिलाइए और बिल्कुल 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 इसी से आपके प्रश्न मिलते जुलते हैं। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, दोस्तों इसका आंसर कैसे मिलेगा और कैसे लिखना है, इसके नोट्स के बारे में बात करूं तो मेरे चैनल के आप प्लेलिस्ट में आ जाइए, ठीक है। आप जैसे ही दोस्तों प्लेलिस्ट में आते हैं, आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसके में आपको केवल सेकंड पेपर के बारे में ही बताया गया है। वो सेकंड पेपर कहाँ है दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे तो आपको लिखेगा BEd फर्स्ट ईयर पेपर 2 साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इसमें टोटल 22 वीडियो हैं और वीडियो बढ़ने वाली है, क्योंकि जो पॉइंट्स नहीं है उस पॉइंट को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो इस प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको उससे रिलेटेड सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। वृद्धि और विकास में अंतर, चूंकि कई बार शैक्षिक मनोविज्ञान जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक मैंने बताया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों नोट्स के साथ। अब वंशानुग्रम का अर्थ और परिभाषा दोस्तों, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैश्य अवस्था, मैंने कहा था विकास के अवस्थाओं के विशेषताएं के बारे में पूछता है, तो बाकायदा इसमें तीनों डिस्कस किया गया है। अगर आप दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बुद्धि के बारे में मैंने बताया, बुद्धि के प्रकार, पूरे सिलेबस के बारे में बताया गया है, और दोस्तों यहाँ पे आपको पूरे सीरीज को भी एक्सप्लेन किया गया है। और नीचे आइए, आपको जो मेन चीज दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि थॉर्नडाइक का ट्रायल एरर, पावलो का क्लासिकल कंडीशनिंग और स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये तीनों सिद्धांत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशंस को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हर एक चीज़ मैंने जो भी पॉइंट्स कवर अप किए उसकी वीडियोस आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर इन केस नहीं मिलता है तो बिल्कुल नई वीडियो बन जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इन सारे पॉइंट्स को जरूर जरूर और जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे अक्सर सवाल पूछा जाता है। आप कौन सा उठाइए, वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको बताऊं कि कौन से प्रश्न आपके कौन से पॉइंट से पूछे जाते हैं यूनिट 1 से लेके 5 तक। दोस्तों टाइम बहुत कम है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस को उठाइए और उसके बारे में प्रिपरेशन करिए और एग्जाम्स में लिख के आइए, अपने शब्दों में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इस सारे पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। मैं भी अपने चैनल पे वीडियोस बनाऊंगा, बट प्लीज़ आप इस सारे वीडियोस को जरूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे टीम से, मेरे चैनल से और बच्चों को जोड़िए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और हम एक साथ मिलकर पढ़ाई करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट में अपनी राय दें कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।